आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की। यस दोस्तों, म्यूचुअल फंड जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए जो भी हमें गेन होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो टैक्स कितना लगेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली जब हम म्यूचुअल फंड के लिए जाते हैं राइट, तो म्यूचुअल फंड में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं दोस्तों, तो हर महीने में या फिर लमसम कोई पैसा हमारे पास आता है तो हम हमारे फाइनेंशियल गोल, जैसे कि हो गया खास करके इनकम रिप्लेसमेंट, मतलब अगर मैं एक हद तक मैं कमा सकता हूँ, मेरी उम्र के बाद में एज मेरा जब आएगा तो मैं रिटायर होऊंगा राइट, तो उस समय रिटायरमेंट मुझे प्लानिंग करनी है राइट। मेरे सेविंग इन्वेस्टमेंट देखने हैं, होम लोन है तो मेरा होम लोन का ईएमआई कैसे मैं एडजस्ट करूँ कि जल्दी मेरी लायबिलिटी कम हो जाए, इमरजेंसी में मेडिकल आते हैं राइट। उसके बाद मेरे पास कैश भी होना चाहिए जो डेली एक्सपेंसेस है उसके लिए, बच्चों का जो एजुकेशन है आगे चल के 10-15 साल अकॉर्डिंग टू आपकी जो अभी एज है या जो भी उनका आने वाला टेन्यूर है वहाँ पे उसके हिसाब से, तो ये सबकी ज़िंदगी में एक माइलस्टोन होते हैं और खुद का आपका एक इंश्योरेंस। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग हम जब करते हैं, फाइनेंशियल गोल हम जब डिसाइड करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे के जाता है। लेकिन अभी टैक्स बेनिफिट का या फिर टैक्सेशन का जो प्रॉब्लम आएगा तो इसके ऊपर हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस है, तो वो देखने से पहले हम इससे मतलब कहाँ पे हमें कितना पे कर सकता है और हम होल्ड कौन से म्यूचुअल फंड को प्रेफर करें वो ये वीडियो से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड। ओके, अभी होता क्या है टैक्सेशन के बारे में जब बात की जाए तो सबसे पहले जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें टैक्स फ्री वहाँ पे बेनिफिट एंजॉय करने के लिए मिलता है राइट। ये एक म्यूचुअल फंड की यूएसपी है कि यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है ठीक है। तो जैसे हम ईएलएसएस में जाते हैं 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है तो आपको कोई टैक्सेशन उसके ऊपर नहीं लगता है दोस्तों राइट। लेकिन ईएलएसएस छोड़ के जितने सारे म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर आपको टैक्सेशन लगता ही है। लेकिन एफडी में बात जैसे हम करते हैं, एफडी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये जो डिसएडवांटेज है उसका कि एफडी में जो इनकम ब्रैकेट होता है आपका राइट, ये हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट के अंडर आने के बावजूद भी आपको टैक्स बेनिफिट उसमें ज़्यादा नहीं मिलता है। आपका इनकम स्लैब ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे पैसा आपको एज अ टैक्स देना पड़ता है राइट। जैसे हम कहते हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा हम एफडी का बेनिफिट नहीं ले सकते, 1.5 लाख तक ज़्यादा का बेनिफिट आप कम इतने तक ही आप बेनिफिट ले सकते, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, 3 साल के लिए आप पूरा पैसा वहाँ पे पार्क कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी आपको बेनिफिट दे के जाएगा एज़ कम्पेयर टू एफडी। तो एफडी और म्यूचुअल फंड में काफ़ी हद तक डिफरेंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न भी, तो वो हम जब हम एफडी और म्यूचुअल फंड में ये वीडियो जब आएगा उसके मैं ये क्लियर और करूँगा। यहाँ पे बताने का यही इंटेंशन है कि जो टैक्स लाइबिलिटीज़ होती है वो एफडी से तो ये कम ही होती है एज़ कम्पेयर टू मतलब इन म्यूचुअल फंड में ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें जो टैक्स आता है मतलब डिविडेंड जो आपको मिलता है इसके ऊपर भी टैक्सेशन है। तो टैक्सेशन कैसा है, जैसे लास्ट 2020 का बजट आया ओके, उसमें जो भी आप डिविडेंड राइट आप अर्न करने वाले हो ये आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से ये आपको भरना पड़ेगा ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है ठीक है, वो टैक्स इन क्लासिक मैनर ओके, तो वो अलग अलग तरीके से टैक्सेबल है जिस तरीके से आप ले रहे हो, क्योंकि आपका ये शॉर्ट टर्म आता है डिविडेंड इनकम का, जब आप रेगुलर इनकम प्लान के लिए जाते हो तो उस समय आपको ये आता ही है, तो वहाँ पे टैक्स स्लैब वहाँ पे होते ही है दोस्तों ठीक है। ये एक आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। सेकेंड, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड के ऊपर जब रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं तो उस समय भी आपको जो है टैक्सेशन का इशू आ सकता है ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर और टाइप्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने अभी मैं आपको ईएलएसएस के बारे में बताया राइट, तो ये डिफरेंशिएट करता है, लेकिन उससे अलावा बाकी सारे म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन है दोस्तों। उसके बाद जैसे अभी हम होल्डिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे कि अगर मैं इक्विटी फंड होल्ड करता हूँ शॉर्ट टर्म 12 मंथ से पहले के लिए, मतलब 10-11 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 12 महीने से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसे कहता है। तो ये हम अगले इसमें कवर करेंगे।
तो यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्सेशन में जब आते हैं, ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कैपिटल गेन टैक्स भी। तो जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस है, तो आपको टैक्सेशन कैसे लगेगा। और अब शॉर्ट टर्म के लिए होता है 15% प्लस एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज, ये सारे चार्जेस आपको वहाँ पे लगेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो और आपका जो 1,00,000 तक का बेनिफिट है आप इन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि उतना बेनिफिट आपको टैक्स एग्जम्प्टेड है। लेकिन उसके बाद जो लगेगा वो 10% टैक्सेशन विथ सरचार्ज और सेस का हिसाब से ही लगेगा। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि आप डायरेक्टली इक्विटी फंड में जा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, जहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं है, ठीक है, ना कोई टैक्स बेनिफिट है, ऐसे में आपको मैक्सिमम 1,00,000 तक का बेनिफिट है, लेकिन उसके ऊपर 10% आपको चार्ज देना पड़ सकता है, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू FD तो ये फायदेमंद ही है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब हम SIP के लिए जाते हैं, राइट, SIP बहुत ही एक मतलब जब मैं किसी म्यूचुअल फंड के लिए जा रहा हूँ तो लमसम से ज़्यादा मैं SIP करता हूँ तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि SIP ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर की जाती है, राइट, और उतना रिस्क एज कम्पेयर टू लमसम कम होता है। लमसम में आपको वहाँ इसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाई है मैंने, जहाँ पर लमसम और SIP का डिफरेंस मैंने बताया, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आप फर्स्ट यू नो बाय कर रहे हो SIP, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 1 साल से ज़्यादा आप उसको होल्ड कर रहे हो, तो उसका लॉन्ग टर्म गेन जो है वहाँ पे बनेगा, राइट। ये लॉन्ग टर्म गेन जो बनेगा तो यहाँ पे 1,00,000 तक इसमें भी बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 1,00,000 तक आपको यहाँ पे कोई टैक्स देना नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है। SIP के लिए भी आप जाते हो तो सेम जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उस तरीके। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो SIP के लिए और आप जल्दी इसको मतलब विड्रॉ कर रहे हो और जो पैसा आप इसको आप इन्जॉय कर रहे हो विड्रॉ करके, मतलब जो भी बेनिफिट आपको हो रहा है, तो जो कैपिटल गेन आएगा उसके आपको 15% आपको टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से। तो आप भी देखिए, अपने आपको पता होगा कि 5,00,000 तक का आपका आमदनी जो है पूरा टैक्स फ्री है, लेकिन 5,00,000 के ऊपर अगर आपका आमदनी है तो वहाँ पर टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है। ओके, तो उस तरीके से ही आपका अगर इनकम ज़्यादा है तो टैक्स लाइबिलिटी वहाँ पर आपको बढ़ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपको SIP के साथ साथ जो 1,00,000 का बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए तो मिलेगा ही, अगर आप ESS करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये बेनिफिट आसानी से आप एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद STT, यस दोस्तों, एक लास्ट वाला जो एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको हमेशा लगता ही है कि जब हम कोई कैपिटल गेन अर्न करते हैं, राइट, जैसे डिविडेंड हो गया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टैक्स ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, तो वहाँ पे और एक टैक्स आपको लगता है जो STT। जैसे आप देखते हो इक्विटी मार्केट पे भी आप जब कोई सिक्योरिटी सेल कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पे भी आपको ये STT वहाँ पे देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे जब आप कोई म्यूचुअल फंड बेचोगे, उसके यूनिट बेचोगे इक्विटी फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड में, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए कि डेप वाले इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको लगेगा डेप वाले इसमें आपको STT नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर डेप वाले फंड में जाते हो तो डेप वाले फंड भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे भी आप इसको टैक्स बेनिफिट के लिए देख सकते हो और विद ग्रोथ देख सकते हो। ये वहाँ पे एक्सपेंसेस रेशो एज कम्पेयर टू इक्विटी काफ़ी कम है दोस्त। तो आज की वीडियो में इतना ही, यही मुझे आपको टैक्स के बारे में बताना था। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इक्विटीज म्यूचुअल फंड क्या है इसके ऊपर भी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हो, ठीक है, और आपके कुछ डाउट्स है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।